अगेन द क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी कम होता है, रजिस्टेंस कम होता है. ओके, ये कॉन्सेप्ट हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी देख चुके हैं. हमने रो और टेम्परेचर के बीच में जर्मेनियम और कॉपर के लिए ग्राफ देखा था. ओके, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, द फिगर शो अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एस इन सीरीज विथ, ओके, इन सीरीज विथ वेरिएबल रजिस्टर आर, अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट वोल्टेज वी के साथ में हमने सीरीज में कनेक्ट किया. शुड द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज और डिक्रीज, हमको बढ़ाना है कि घटाना है वो देखना पड़ेगा, वही हमको बताना है. कि अमीटर का रीडिंग कॉन्स्टेंट रहे, मतलब करंट कॉन्स्टेंट रहे. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर, सिंस सेमीकंडक्टर्स, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स हैविंग नेगेटिव अल्फा. व्हाट इज द अल्फा? टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट. ओके, नेगेटिव अल्फा मींस ऑन हीटिंग. ओके, लिखा ना वहां पर हीटिंग, ऑन हीटिंग इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. ओके, डिक्रीज होगा क्योंकि जैसे हम हीट करेंगे तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगेंगे. हम लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण. ओके, कैरियर जनरेट होंगे और वो कैरियर्स उसकी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टेंस, अगर इस एस का रजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो आर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि करंट कॉन्स्टेंट रहे. ओके, सिंस रजिस्टेंस ऑफ एस डिक्रीजिंग सो दैट आर शुड हैव टू इंक्रीज. ओके, इंक्रीज सो दैट द रेजिस्टेंस एस डिक्रीजेस सो दैट आर शुड हैव टू डिक्रीज सो दैट दस करंट रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स अमीटर शो कॉन्स्टेंट रीडिंग. ओके, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.